नेपाल के बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिसके बारे में शायद ही दुनिया का कोई बल्लेबाज सोच सकता था। दीपेंद्र सिंह ने एशियन गेम्स में मंगोलिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल मुकाबले में सिर्फ 9 गेंदों में हाफ सेंचुरी जड़ दी है। जी हाँ, दीपेंद्र ने भारत के युवराज सिंह के 12 गेंदों में लगाई गई हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यही नहीं, इस मैच में उनके साथ ही कुशल मल्ला ने सिर्फ 34 गेंदों में शतक जड़ दिया, जबकि टीम ने 20 ओवर में 314 रन बनाए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, 20 ओवर में 314 रन। ये कोई T20 गेम था, ये तीनों ही अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैच में टॉस जीतकर मंगोलिया ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, एक टॉस ही रहा जो उनके पक्ष में गया। इसके बाद कुशल ने पुर्तल के 23 गेंदों में 19 रन ठोके, जबकि आसिफ शेख ने 17 गेंदों में 16 रन बनाए। इसके बाद मैदान पर जो तूफान आया कि हर कोई देखता रह गया। कुशल मल्ला ने 50 गेंदों में 8 चौके और 12 छक्कों के दम पर 137 रन ठोक दिए, तो दूसरे छोर पर कप्तान रोहित पौडल ने 27 गेंदों में 2 चौके और 6 छक्के के दम पर 61 रनों की पारी खेली। इसके बाद रही सही कसर दीपेंद्र सिंह ने पूरी कर दी। इस बल्लेबाज ने सिर्फ 1.2 ओवर यानी 8 गेंदों में हाफ सेंचुरी लगा दी। दीपेंद्र ने सिर्फ छक्कों से ही डील किया है। अगर बॉल बाय बॉल बताएं तो पहली गेंद पर 6, फिर 6, उसके बाद एक और छक्का, 6, 6, 2, 6, 6 जड़ते हुए उन्होंने युवराज सिंह के 12 गेंदों के हाफ सेंचुरी के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। युवराज ने इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप 2007 में ये कारनामा किया था। उसके बाद से इस आंकड़े को तोड़ पाना नामुमकिन माना जा रहा था। इस मैच में युवराज ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ही ओवर में लगातार 6 छक्के मारे थे। अब दीपेंद्र ने अपनी पारी में 10 गेंदों का सामना किया, जबकि 8 छक्के उड़ाते हुए नाबाद 52 रनों की पारी खेली। इन तीन बल्लेबाजों के दम पर नेपाल ने 3 विकेट के नुकसान पर 314 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जवाब में मंगोलिया की टीम मात्र 41 रनों पर ऑल आउट हो गई और नेपाल ने मैच 273 रनों के रिकॉर्ड अंतर से जीत लिया।